दीवार पे लटके है ना, यह छज्जू लाल जी दादा है मेरे। गुजरे जमाने में सिलाई बुनाई का काम था इनका, वह बिजनेस ठप हो गया और यह हमें रोटी के लाले पड़ गए। पर क्या कहें, सब बढ़िया है। और मैं मौजी, जैसा नाम वैसा काम, कुछ भी करवा लो, करूँ तो पूरी मौज के साथ। और यह ममता, रिश्ता तो इसका और मेरा हस्बैंड और वाइफ वाला है, पर शादी से पहले इसे जान ना पाया और शादी के बाद। ममता राजमा भेगो दियो। ममता धनिया की थैली कहाँ रखी है? ममता छत से तुलसी तोड़ला चाय के लिए। पर क्या कहे, सब बढ़िया है। मेरे जैसे वाला तो भगवान किसी को साले कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। नंगा घूमियो, पैर की जूती सर पे चढ़ा दी। इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते। इतना हुनर तो है आप में, अपना कुछ कर लो, दो पैसे कम कमाते। पूछो ना भूतनी के मौजी से। पर ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती रोज रोज? एक मिनट, तुम ये तो नहीं करी कि खुद की मशीन यहाँ पे लगाऊं मैं? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। बढ़िया है, अगर गालियां ही खानी है तो तालियों की आवाज में तो पड़े, बेवजह जूते खाने का क्या फायदा। कुछ महीनों की तो बात है बाबूजी, थोड़ा काम चल पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके काम चलने के इंतजार में अम्मा बाबूजी चल बसेंगे, फिर यहीं बैठ के कफन सिलता रहियो। अब इस बिजनेस को ऐसा सेट करूंगा ना मैं कि मुंह ताकते रह जाओगे आप। अपनी बनाई चीज पर मेड इन चाइना क्यों लिखा? तो क्या लिखे, गाजियाबाद तो तुम खरीदेगा? अपनी बनाई चीजों पे अपनी मोहर लगा के बेचेंगे। कंपनी का नाम क्या रखें? अब जहाँ के कपड़े बाग का नाम, सुई धागा मेड इन इंडिया। Thank you.